नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। आज मैं वैदिक मैथ्स का डेमो दे रहा हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स इंडियन मैथमेटिक्स है। इसमें कैलकुलेशन सेकंडों में किया जा सकता है। ये टेक्निक सीखने के लिए आप ट्रायंगुलर क्लासेज ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए डेमो देते हैं। इस वीडियो में मैं प्लस माइनस इंटू और डिवाइड का डेमो देने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने और समझें। 12 + 13 + 25 + 35 + 45 + 55 = 185। आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी कैसे हुआ, तो बता देते हैं। सबसे पहले 10th प्लेस को ऐड कर लीजिए। 1st प्लेस का जिसका 10 हो जाए उसको एक साथ प्लस करके 8th प्लेस में ऐड कर लीजिए। अरेंजमेंट मेथड कहते हैं। ऐसे बहुत मेथड भी है। आप क्लास में आएंगे तो डिटेल जानकारी दी जाएगी। 12 का 1, 13 का 1, 35 का 2, 35 का 3, 45 का 4 और 55 का 5। इन सबको प्लस करेंगे 1, 2, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11 और 5, 16। कौन प्लेस को ऐड करेंगे जिसका सम 10 हो। 5, 5, 10 तो 16 की जगह पर हो गया 17। नंबर पर 5, 5, 10 17 की जगह 18। तो यूनिट प्लेस पर 3 और 2 बचा। 3, 2, 5 होता है यानी 85 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल करते हैं। 8, 5, 1, 2, 0 - 4, 3, 5, 4, 8। यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स का रूल लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम लास्ट एंड अदर फ्रॉम 9। इस रूल से लास्ट को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आएगा उसको पहले नंबर में ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। 10 - 8 = 2, 2 + 0 = 2, इसलिए यूनिट प्लेस 2 हुआ। 9 - 4 = 5, 5 + 2 = 7, therefore 10th प्लेस इज 7। 9 - 5 = 4, 4 + 1 = 5, 400th place is 5. 9 - 3 = 6, 6 + 5 = 11. It means that 1000th place is 1, carry 1. 9 - 4 = 5, 5 + 8 = 13, 13 + 1 = 14. 14 के 1 को कैंसिल कर देंगे, देयरफॉर आंसर इज 41572 हुआ। अगले एग्जांपल नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 × 13 को ओरल कैसे करेंगे? वैदिक मैथमेटिक्स में बेस सब बेस होता है, तो 12 10 बेस से, 13 भी 10 बेस के नजदीक है। 12 10 बेस से 2 ज्यादा है, 13 10 बेस से 3 ज्यादा है। 12 में 3 प्लस कर देंगे 15 हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 156। दिस इज करेक्ट आंसर। तो चलिए मल्टीप्लाई का दूसरा एग्जांपल देते हैं। 9 × 9 = 9 × 9 = 7। यह 10,000 बेस का क्वेश्चन है। 4 9 यानी 10,000 से 1 कम, 3 9 7 यानी 10,000 से 3 कम है। यह डिसाइड कर लेते हैं। इसको ओरली कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 999। दूसरे मल्टीप्लाई वाले नंबर में यूनिट प्लेस पर 7 है जो कि 10 से 3 कम है, तो पहले नंबर जिसे यूनिट प्लेस पर 9 है उसमें से 3 माइनस कर दिया जाएगा तो 6 बचेगा, तो 999 के आगे 6 कर देंगे। यहाँ पर बेस से कम है इसलिए माइनस किया गया, ऊपर वाले में बेस से अधिक था इसलिए प्लस किया गया था। प्रैक्टिस के लिए ट्रायंगुलर क्लासेज ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क करें, एडमिशन लें और अपने मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट को बढ़ाएं, अच्छे अंक प्राप्त करें, समय बचाएं और मैथ साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करें, यानी आईक्यू को बढ़ाएं। आप सोच रहे होंगे कि सर 2, 0 और 3 कहाँ से आया? तो ये बता देते हैं कि 3 और 3 कहाँ से आया।
आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 10,000 बेस का मल्टीप्लाई है, 10,000 में 4 जीरो हैं, अतः हमें 4 जीरो में आंसर लिखना है, 4 डिजिट में आंसर लिखना होगा जो कम है। तो हमने देखा पहले नंबर में 1 कम है और दूसरे नंबर में 3 कम है, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आएगा। यह 1 डिजिट है, इसे हमें 4 डिजिट बनाना है, इसलिए 3 जीरो 3 लिखेंगे। आसान तो बेसिक मैथमेटिक्स सीखें और मैथ को आसान बनाएं। खेल खेल में मैथ सीखने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स सीखें, इंडियन मैथमेटिक्स सीखें और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाएं। स्कूल में या कंपटीशन में अच्छे अंक प्राप्त कर कंपटीशन को क्वालिफाई करें या स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं जो डिवाइड है 1, 2, 3, 4, 5 / 5। सरल तरीके से अगर करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, लेकिन चलिए टेक्निकल तरीके से यानी बेसिक मैथमेटिक्स से कैसे करते हैं। तो जो नंबर दिया है उसके आगे 0 बढ़ा दें और 2 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा, आंसर होगा 6, 1, 7, 2, 5। तो है ना आसान। इसी तरह का डिवाइड आप बेसिक मैथमेटिक्स से आसानी से ओरल कर लेंगे, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स सीखें, इंडियन मैथमेटिक्स सीखें और मैथमेटिक्स को आसान बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जल्दी कीजिए एडमिशन लीजिए, कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स सीखें से संपर्क करें।